हेलो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स इसमें हम कोलोइड्स को बनाने के मेथड्स पढ़ेंगे अ फ्यू इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड आर एस फॉलोज कोलोइड्स को बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं पहला है केमिकल मेथड्स। कोलोडियल सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय डबल डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस जो कोलोडियल सोल्यूशन है उनको हम केमिकल रिएक्शन करा कर भी बना सकते हैं इसमें डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिडक्शन या फिर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से कुछ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है दीज मॉलिक्यूल दैन एग्रीगेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सोल और जो ये मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन से बने हैं फिर ये आपस में एग्रीगेट कर लेते हैं जुड़ जाते हैं जिससे सोल्स बन जाते हैं सोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है अब यहाँ पर ये यह रिएक्शन दी गई हैं पहली है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें ए एस टू थ्री यानी आर्सनिक ऑक्साइड को थ्री एस टू एस से रिएक्ट कराते हैं इसमें डबल डिकम्पोजिशन होता है जिससे ए एस टू एस थ्री ये सोल बनता है क्लोइ्स बनते हैं और वाटर बनता है यहाँ पर आप देखिए जो ए एस टू है इसमें जो आर्सनिक है वो यहाँ पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है और जो ऑक्सीजन है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू है अगर हम हाइड्रोजन की बात करें हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है इसमें सल्फ़र की माइनस टू है तो इसमें क्या होता है ये दोनों हमें दिए गए हैं यहाँ से इनका डिकम्पोजिशन होता है ये यह यहाँ से टूटते हैं आर्सनिक ऑक्साइड यहाँ से टूटेगा एच टू एस यहाँ से टूटेगा फिर क्या होगा ऑक्सीजन एच टू हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा जो सल्फर है वो एस टू के साथ जाकर मिल जाएगा यानी सिंपली क्या हो रहा है इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है और जो ये सल्फर है ये एस के साथ चला जा रहा है जिससे सोल बन रहा है और ऑक्सीजन वाटर के साथ क्योंकि इसकी भी माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट थी सल्फर की भी माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट थी तो ये एक दूसरे ये डिकम्पोज होते हैं और एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस हो जाते हैं जिससे हमारा ए एस टू एस थ्री बनता है और थ्री एस टू बनता है ये हमारा सोल प्राप्त होगा क्लोइड प्राप्त होगा दूसरी है ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है एस टू सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड टू एस के साथ रिएक्ट करेगा इसमें ऑक्सीडेशन होगा जिससे हमें थ्री एस सल्फर मिलेगा जो ये सल्फर मिलेगा हमें ये हमें सोल के रूप में मिलेगा और वाटर मिलेगा तो इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम एच टू एस की रिएक्शन कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एच टू एस की रिएक्शन करा रहे हैं और एच टू एस से ही हमारा सोल बनता है तो हमें यहाँ पर आप देखें यहाँ पर जो सल्फ़र है वो माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर जो सल्फ़र है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसका मतलब क्या हुआ माइनस दो से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है तो यहाँ से सल्फर माइनस टू में था ऑक्सीडेशन स्टेट उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए जिससे थ्री एस यानी सल्फर मिला हमें सोल मिला सल्फर का जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो टू एस टू एस की एस टू के साथ रिएक्शन कराई ऑक्सीडेशन हुआ जिससे हमें सल्फर का सोल प्राप्त हुआ और वाटर अब अगली रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन इसमें टू ए यू सी एल थ्री को हम थ्री एच सी सी एच ओ के साथ रिएक्ट कराएंगे प्लस थ्री एच टू ओ के साथ यहाँ पर आप देखें जो Au है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है यहाँ पर यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ए यू की वो ज़ीरो है तो आप देख सकते हैं जो Au है वो प्लस थ्री से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है इसका मतलब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि इस पर प्लस तीन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है तीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाएगी इसकी तो इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है वो रिडक्शन कहलाता है तो यहाँ पर जो एयू सी एल थ्री से ए यू बन रहा है यानी गोल्ड का सोल बन रहा है वो रिडक्शन प्रोसेस से बन रहा है और इसमें ये प्रोडक्ट भी बनते हैं थ्री एच सी ओ एच और सिक्स एच सी एल अगला है हाइड्रोलाइसिस इसमें जो एफ पी सी एल थ्री है उसे हम वाटर में मिडजोल करते हैं उसका हाइड्रोलाइसिस होता है जिससे हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल मिल जाता है कोलोइड मिल जाता है और थ्री एच सी एल बाहर निकल जाता है तो ये कुछ मेथड्स थे केमिकल मेथड जिससे हम क्लोइड्स बनाते हैं अब अगला मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और well ब्रीडिंग आर्क मेथड ये इम्पोर्टेंट मेथड है दिस प्रोसेस इनवोल्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन जो ब्रीडिंग्स आर्क मेथड है इसमें डिस्पर्जन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो डिजोल्व भी होंगे और उनको कंडेंस भी किया जाएगा कोलोडियल सोल्स ऑफ मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एटसेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मैथड तो जो मेटल के जो कोलोडियल सोल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम उनको ब्रीडिंग आर्ज मेथड से बनाया जाता है इन दिस मैथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम इस मेथड में क्या किया जाता है एक डिस्पर्जन मीडियम में मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और उन मेटल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क बनता है यानी हाई डेंसिटी करंट प्रोड्यूस होता है द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड वेपराइज द मेटल विच दैन कंडेंसिस टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलोडल साइज और इस इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से जो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वो मेटल को वेपराइज कर देती है जो और जो मेटल वेपराइज हुआ उसको फिर बाद में कंडेंस कर लिया जाता है जिससे वो कोलोडल साइज के पार्टिकल बना देता है अब ये आप ये डायग्राम देख सकते हैं इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा इस मेथड में क्या किया जाता है एक वैसल लिया जाता है उसमें ये डिस्पर्जन मीडियम लिया जाता है कोई सा भी फिर ये इस, इसके नीचे एक और वैसल लिया जाता है इसमें आइस रखी जाती है यानी इसमें बर्फ़ रखी जाती है और जिस मेटल जिस मेटल का हमें सोल बनाना है उसको इलेक्ट्रोड के रूप में लगा दिया जाता है मान लीजिए हमें गोल्ड का सोल बनाना है तो ये जो इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे ये गोल्ड के इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे तो इसमें क्या क्या एक dispersion मीडियम लिया उसके नीचे आइस बाथ ली आइस लिया दूसरे वेसल में फिर जिस भी मेटल का हमें सोल बनाना है उस मेटल के इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिए जाते हैं मान लीजिए सिल्वर का इलेक्ट्रो सोल बनाना है तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड लगा देंगे गोल्ड का सोल बनाना है तो गोल्ड के इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा देंगे फिर क्या किया जाता है इसमें हाई वोल्टेज इसको प्रोवाइड की जाती है जो ये इलेक्ट्रोड है इनको हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जाएगी जिससे इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा ये आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा हाई डेंसिटी करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक आर्क बनता है तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इस इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट क्या करने लगती है इन इलेक्ट्रोड को वेपराइज करने लगती है वेपर में कन्वर्ट करने लगती है अब जैसे ही मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड छोटे छोटे वेपर्स में कन्वर्ट होने लगे अब ये वेपर्स वेपर में कन्वर्ट हुए तो ये वेपर उड़ भी सकते हैं यहाँ से तो इनको कंडेंस करने के लिए यहाँ पर ये आइस बात लगाई जाती है बर्फ लगाई जाती है जैसे ही इसमें हीट प्रोड्यूस हुई ही बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रोड वेपर में कन्वर्ट होने लगे तो उन वेपर को क्या करेगा ये आइस बात आइस बात कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा इनके टेम्परेचर को कम करेगा और इनको कंडेंस कर देगा जिससे ये कोलोडियल पार्टिकल के साइज कोलोडियल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस डिस्पर्जन मीडियम में हमें सोल प्राप्त हो जाएगा तो एक बार फिर से देखते हैं डिस्पर्जन मीडियम लिया जिस मेटल के इलेक्ट्रोल जिस मेटल का सोल बनाना है उसके इलेक्ट्रोड लिए आइस बात लिया फिर इसमें बहुत ज़्यादा करंट हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराई जिससे इनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क बना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे इस वेपर को कंडेंस करता है आइस बात जिससे ये कोलोडल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर और इस डिस्पोर्जल मीडियम में सोल बना देते हैं ये मेथड कहलाता है हमारा ब्रीडिंग आर्क मैथड बहुत सिंपल मैथड है अगला है पैप्टाइजेशन मैथड पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इंटू कोलोडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो पेप्टाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक प्रेसिपिटेट को किसी भी प्रेसिपिटेट को कोलोडल सोल में कन्वर्ट किया जाता है और इस जो ये जो ये प्रेसिपिटेट है इसको डिस्पर्जन मीडियम में स्मॉल अमाउंट की इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में शेक किया जाता है द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस परपज इज़ कॉल्ड पैप्टाइजिंग एजेंट और जो इलेक्ट्रोलाइट इस परपज़ज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है उसको हम पैप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं अब देखिए ये किस तरीके से होता है इसमें हम क्या करते हैं एक वैसल लेते हैं हमने एक वैसल लिया इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा प्रसिपिटेट है और इस मेथड में फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ही यूज़ किया जाता है जो अभी अभी प्रेसिपिटेट बना हो तो क्या है इस जो हमने वेसल लिया इसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट डालेंगे ये हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट डाला फिर क्या करेंगे इसमें हम इसमें एक हम सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम ऐड करेंगे इसी में ही सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम हमने ऐड कर दिया फिर हम इसमें एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे इसमाल अमाउंट में हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी डाल दिया फिर क्या करेंगे हम इस वेसल को शेक करेंगे इस वेसल को हिलाएंगे ये हमने वेसल को शेक किया शेक करने के बाद क्या होता है जो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था हमारे पास वो कोलोडियल सोल में कन्वर्ट हो जाता है ये प्रोपे ये प्रोसेस कहलाता है पैप्टाइजेशन अब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट क्यों ऐड कर रहे हैं इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने का कारण है कि हम उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं मान लीजिए हमारे पास प्रेसिपिटेट है यह हमारे पास प्रेसिपिटेट है और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए हमने इसमें के डाल दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज तो ये क्या करता है जो ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोलाइट का ये प्रसिपिटेट के जो पार्टिकल्स हैं उन पर नेगेटिव उनको नेगेटिव चार्ज दे देता है प्रसिपिटेट के पार्टिकल को ये नेगेटिव चार्ज दे देगा मान लीजिए ये अभी इस वेसल में है तो ये प्रे, प्रेसिपिटेट के प्रेसिपिटेट को इसने नेगेटिव चार्ज दे दिया जिससे जो ये प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के पास नहीं आ पाते एग्रीगेट नहीं बना पाते अगर ये एक दूसरे के पास आ गए एग्रीगेट बना गए तो फिर तो ये सस्पेंशन हो जाएगा ये प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा लेकिन जब इनके इनको नेगेटिव चार्ज मिल गया तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेगा तो ये एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं जिससे एक दूसरे के पास नहीं आते और आपस में जुड़ नहीं पाते जब ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो ये जो है स्टेबिलिटी को मिल जाएगी जिससे ये हमें सोल प्राप्त हो जाएगा दिस मेथड इज अप्लाइड जनरली टू कन्वर्ट ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इन टू सोल। और पैप्टाइजेशन प्रोसेस से हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोडल सोल में कन्वर्ट करते हैं इसमें आपको याद रखना इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज कर रहे हैं वो पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है ड्यूरिंग पैप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एबजॉर्व वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट सरफेस पैप्टाइजेशन के दौरान क्या होता है जो प्रसिपिटेट है वो इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है ये प्रेसिपिटेट है ये पैप्टाइट के आयन को या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर एबजॉर्ब कर लेगा दिस कोशिज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन प्रेसिपिटेट जिससे क्या होता है प्रेसिपिटेट के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है या तो पॉजिटिव चार्ज को करेगा यानी सिंपल क्या करेगा या तो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव चार्ज को अब एबजॉर्ब करेगा या फिर नेगेटिव को दोनों को नहीं करेगा जिससे क्या होगा इसके प्रिसिपिटेट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया विच अल्टीमेटली ब्रेकअप इंटू स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ ए कोलाइड उसके बाद जो ये प्रसिपिटेट है ये ब्रेक हो जाता है टूट जाता है और इस, स्मॉलर पार्टिकल यानी कोलोडियल साइज के पार्टिकल को बना देता है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है जो एक दूसरे को रिफल करते हैं जिससे स्टेबिलिटी मिलती है